अपने विरोध निर्वाचित। विधान परिषद में 75 हुई भाजपा के सदस्यों की संख्या। सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा हुआ था खारिज और उसके बाद दोनों बीजेपी के कैंडिडेट यहां पर जीते हैं। धर्मेंद्र सिंह और निर्मला पासवान निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। विधान परिषद में 75 हो गई है, यहाँ पर बीजेपी के एमएलसी की संख्या यानी कि 100 सीटें देखिए विधान परिषद में होती है, जिसमें 75 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और इसी के साथ देखिए जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी कीर्ति कोल, उनका पर्चा जो है वो खारिज हो गया था। एज को लेकर उनके पर्चे को खारिज कर दिया गया था, मैक्सिमम एज मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया था उसमें वो खरी नहीं उतरी, जिसके बाद उनके पर्चे को खारिज कर दिया गया। तो धर्मेंद्र सिंह, निर्मला पासवान निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित हो गए हैं बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर यहां पर विधान परिषद में। और सिमाब हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सिमाब, उम्मीद यही थी कि निर्विरोध होंगे, लेकिन कीर्ति कोल का पर्चा खारिज, तो सीधे तौर पर दोनों कैंडिडेट बीजेपी के जीते। जी देखिए, जाहिर है कि दो सीटें खाली हुई थी जिसपे चुनाव होना था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र सिंह और निर्मला पासवान को टिकट दिया था और इनका नामांकन कराया था। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक कैंडिडेट उतारा गया था। संख्या बल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होना था, लेकिन दूसरे सीट पे चुनाव होना था, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने के चलते ये दोनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। और एमएलसी के कोटे में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें पड़ गई हैं, यानी कि भाजपा पूरी तरह से एमएलसी को लेकर जो आश्वस्त थी पहले से, वो पूरी तरह से कामयाब भी हो चुकी है और विधान परिषद में संख्या बल काफी बढ़ चुका है। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया सिमाब तमाम जानकारियों के लिए आपका। पचहत्तर हो गई है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या विधान परिषद में। आगे बढ़ेंगे दिल्ली से खबर, जहां पर महंगाई और ईडी की